दोस्तों, करियर राइट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीडियोस हिंदी सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारा आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्रेंस एग्जाम्स और प्लेसमेंट टेस्ट की दृष्टि से फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि हर एग्जाम में इस चैप्टर में से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखे जाते हैं। तो चलिए फटाफट इस एक ही वीडियो में इस चैप्टर को ऐसा सीख लेते हैं कि आपको फुल कॉन्फिडेंस भी आ जाए और दूसरा कोई वीडियो भी ना देखना पड़े। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, तो हर क्वेश्चन में आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब आपका खरीदने का कॉस्ट और आपका बेचने का दाम, ये दोनों जरूर यूज होंगे। जब कभी भी आपका सेलिंग प्राइस, मतलब आपका बेचने का प्राइस ज्यादा रहेगा आपकी लागत से, तो आपको क्या होगा, आपको होगा डील में प्रॉफिट, ठीक है। और जब कभी भी ये आपका सेलिंग प्राइस, आपका बेचने का दाम आपकी लागत से कम होगा, तो आपको होगा लॉस। अब इस चैप्टर में आपको अक्सर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट परसेंटेज को हम लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू, परसेंटेज में लिखना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एक बात ध्यान दे लीजिए कि पूरे चैप्टर में चाहे आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, चाहे सेलिंग प्राइस निकालना, आपका रेफरेंस पॉइंट है वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपको अगर लॉस परसेंटेज निकालना, तो आप क्या लिखेंगे, लॉस परसेंटेज निकालना हो तो सिंपल है, आप तो लॉस अपॉन रेफरेंस पॉइंट क्या, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं, ठीक है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको अक्सर या तो प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया जाएगा या लॉस परसेंटेज दे दिया जाएगा, और आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस निकालने की। ये आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस, अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारा इस वाले ट्रांजैक्शन में फॉर एग्जांपल से 10% था, ठीक है, तो आप सेलिंग प्राइस कैसे लिखेंगे। सेलिंग प्राइस लिखने के लिए आप लिखेंगे 100% प्लस 10%, और रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है हमारा ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस को आप कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में इस तरह से लिखेंगे प्रॉफिट के केस में। एक एग्जांपल से समझा देती हूं। मान लीजिए कोई एक ट्रांजैक्शन था, उसमें आपका प्रॉफिट हुआ 10%, ठीक है, और आपका दाम था, कॉस्ट प्राइस था आपका 100 रुपीज, ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। सेलिंग प्राइस आपका, इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, प्रॉफिट हुआ 10%, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए। 10 रुपए अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा 110 रुपए। अब ये 110 रुपए को आप कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही लिखेंगे ना। देखिए परसेंटेज इसके चैप्टर का भी यूज हो रहा है, मेक श्योर आपके कॉन्सेप्ट परसेंटेज इसके क्लियर है, नहीं है तो एक बार वीडियो देख लीजिए, परसेंटेजेस का वीडियो है हमारे पास, उसको देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आपने कैसे लिखा, आपने लिखा, यही तो मैंने यहां लिखा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे वापस आ जाइए नीचे, 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सिंपल था ना। अब मान लीजिए कि आपको लॉस होता, आपको मान लीजिए लॉस होता 10% का, तब आप क्या करते सेलिंग प्राइस का, सिंपल है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया 100% लिखते, और लॉस है इसलिए -10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना, 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये चीजें, ये कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में सेलिंग प्राइस को लिखना, ये बहुत यूजफुल होने वाला है पूरे चैप्टर में, ठीक है। मेक श्योर ये आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आया है तो वीडियो को यहाँ पर 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करके दिमाग में एक बार सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अजय इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20% बाय सेलिंग अ वास फॉर रुपीज 2880। टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%,
एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द वास। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है आपको, आपको दो सिनेरियोज दिए गए हैं। पहला सिनेरियो है जिसमें आपको सेलिंग प्राइस दी गई है और बोला गया है सेलिंग प्राइस कितनी दी है 2880, मतलब इतने में आपने कोई सामान बेचा, हुआ क्या, हो गया आपको लॉस। लॉस कितना हो गया 20% का। अब आपको पूछा जा रहा है कि मैं कितने में इसको बेचूं एक्चुअली कि मुझे फायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। कितना प्रॉफिट हो जाए? प्रॉफिट हो जाए मुझे 20% का। चाहिए क्या? ढूंढना पड़ेगा हमको कॉस्ट प्राइस। कैसे ढूंढेंगे? सिर्फ वही करेंगे जो अभी तक सीखा है पिछले स्लाइड में। देखिए सेलिंग प्राइस को हम कैसे लिखते हैं, हमने सीखा था सेलिंग प्राइस को लॉस के केस में हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे 100% माइनस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही लिखेंगे ना। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 80%। तो 80% को लिखूंगी मैं 80/100। कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। सेलिंग प्राइस हमारी इस केस में कितनी थी? 2880। सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 8 3 24 8 6 48। कॉस्ट प्राइस आपकी आ गई निकल के 3600 रुपीज। अब तो देखिए बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन, आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गई। अब तो आप आराम से सेलिंग प्राइस ढूंढ सकते हैं कि मुझे प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना होगा। स्टार्ट करते हैं। इस केस में मुझे सेलिंग प्राइस मेरी कितनी होनी चाहिए? मैंने 1 मान लिया क्योंकि ये दूसरी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस 1 कितनी होगी? ये होगी प्रॉफिट का केस है इसलिए 100%। कितना प्रॉफिट? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है? सीपी होता ना यहाँ पे ऑफ 3600, ठीक है। ये कितना हो गया? 120% को मैं लिखूंगी 120/100 ऑफ 3600, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया। अभी आपको क्या है? 360 × 12। बहुत आसान हो गया आपको। 360 × 10 इज 3600 और 360 × 2 प्लस, तो ये हो गया 720। ये आपका आंसर आ गया 024320 रुपीज। इसका मतलब अगर मेरा नया सेलिंग प्राइस, अगर मैं इसको 4320 रुपीज में बेचूं तो मैं 20% का प्रॉफिट कमा सकती हूँ, ठीक है। देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमने जो सीखा था फर्स्ट स्लाइड में उसका एप्लीकेशन किया है और हमारा आंसर आराम से आ गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2। अ फ्रूट सेलर बायस लेमन्स एट 2 for a rupee एंड सेल्स देम एट 5 for 3 rupees। हिज गेन परसेंटेज इज। अब देखिए पढ़ने में तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट एक्चुअली काफी इजी है। डिफिकल्ट लग इसलिए रहा है क्योंकि खरीदने वाले लेमन हैं 2, बेचने वाले हैं 5, थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर्स लग रहे हैं, बट आप इनको काफी इजी बना सकते हैं अगर बेचने वाले भी बराबर हो नंबर्स और खरीदने वाले नंबर ऑफ लेमन्स भी बराबर हो जाए तो मजा आ जाएगा। कर लेते हैं। क्या कीजिए, ये आपको 2 लेमन्स जो आपने खरीदे थे और 5 लेमन आपने बेचे, इनका नंबर एक करने के लिए, ठीक है, क्या कीजिए इसका एलसीएम ले डालिए। चलिए जी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 और 5 का? आ गया 10। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। देखिए कैसे, पहला केस है जब आपने लेमन्स खरीदे, ठीक है, क्या किया 2 लेमन्स खरीदे 1 रुपए के, ठीक है। अब कितने खरीदने? अब आपको 10 खरीदने, ठीक है भाई, 10 खरीदने। कितने के खरीदेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 × 1/2, मतलब 5 रुपीज, ठीक है। 10 आपने अब लेमन खरीदे कितने के? 5 रुपए के। चलिए ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब क्या कीजिए, अब आप बेचने वाला देख लीजिए। 5 लेमन बेचे आपने 3 रुपए में, तो 10 लेमन आप कितने में बेचेंगे? चलिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालिए तो आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई आपकी 10 × 3/5, और ये क्या है आपका? ये है आपका 6 रुपीज। और कौन सी कॉस्ट है ये? ये है आप बेचने वाली बात कर रहे थे ना, मतलब ये आपका होगा सेलिंग प्राइस। अब क्या है इस क्वेश्चन में? अब तो आपको खाली प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढना है ना, गेन मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे ढूंढते हैं? प्रॉफिट कितना हुआ आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब 6 − 5 आपको हुआ 1 रुपए का प्रॉफिट इस डील में, ठीक है भाई, जब आपने 10 लेमन खरीदे बेचे। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? मतलब प्रॉफिट 1 अपॉन में क्या होता है?
हमारा रेफरेंस पॉइंट कॉस्ट प्राइस अपॉन 5, कॉस्ट प्राइस है 5, परसेंटेज में चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो गया ये, ये हो गया आपका 20, क्या 20%। तो देखिए इस वाले पूरे ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ 20% का। क्वेश्चन काफी इजी सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन फिगर्स को आप एक एलसीएम लेके खरीदने और बेचने वाली फिगर्स को आप बराबर बना लो, नंबर्स को आप बराबर बना लो। 10 ही लेमन्स खरीदो, 10 ही लेमन्स बेचो, अब देखो इसका मजा कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी एक और वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रामबाबू सेल्स पेपर प्लेन्स एट द रेट ऑफ 20 प्लेन्स फॉर 1 रुपी। इफ ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मेनी प्लेन्स डिड ही बाय इन 1 रुपी। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिया है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस किस चीज का दिया है आपको, 20 प्लेन्स का। कितना दिया है, ये दिया है आपको 1 रुपी। और आपसे कहा गया है कि इस डील में होता है आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है आपको 20% का, ठीक है। तो इस केस में हमको पता है हम सेलिंग प्राइस कैसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस को हम लिखेंगे 100 प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही लिखेंगे ना, हमने सीखा हुआ है सेलिंग प्राइस को ऐसे लिखते हैं हम। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 120%, 120% मतलब 120 अपॉन 100 ऑफ का मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट हो गया। और कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 1 रुपया दी है 20 प्लेन की, तो कॉस्ट प्राइस 20 प्लेन की कितनी निकल के आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास 100 अपॉन 120 रुपीस। ये कितना होता है, ये होता है आपका 5/6। कॉस्ट प्राइस है आपकी 20 प्लेन्स की, ठीक है, कितना हो गया 5/6 रुपीज। अब क्या हुआ, अब देखिए आपको ढूंढना है कि 1 रुपए में कितने प्लेन आप खरीदेंगे। 20 प्लेन खरीदे आपने 5/6 रुपीज में, तो आप 1 रुपए में कितने प्लेन खरीदेंगे, ऐसा रिलेशन बनेगा ना। अब क्या कीजिए, कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल है, सॉल्व करना तो हमको आता है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहां से आपके पास कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 × 1/5/6। ये कितना होता है, ये होता है आपका 20 × 6/5, 5 × 4 = 20, 4 × 6 = 24। तो भाई आपने कितने प्लेन खरीदे उसे 1 रुपए में, आपने खरीदे 24 प्लेन्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 रुपए में 24 प्लेन खरीदो और 20 बेच डालो, ठीक है। ये आपका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, ये आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, और पूरे डील में आपको हो जाएगा प्रॉफिट कितना, 20% का। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में भी मजा आया। क्या कीजिए, जो भी सीखा है सारे लॉजिक को अप्लाई कर डालिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गुड्डी बाय सम ऑरेंजेस इन अ शॉप एट 4 पर रुपी। शी गोज टू अदर शॉप एंड बाय सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 5 पर रुपी। शी देन कंबाइंस देम इन अ बास्केट एंड सेल्स देम एट 4 पर रुपी। विल शी गेट अ प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है, बट एक्चुअली बहुत ईजी है, एक बार लॉजिक समझ में आया ना क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड्डी एक लड़की है, उसने क्या किया, पहली शॉप से 1 रुपए के 4 संतरे खरीदे उसने, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वो दूसरी शॉप में गई और उसने 1 रुपए के यहां से 5 संतरे खरीदे। अब आपको दिया क्या गया है कि दोनों शॉप से उसने बराबर नंबर के संतरे खरीदे। अब इसको बराबर कैसे बनाए, यहां से 4 संतरे, यहां से 5 संतरे, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होता है 4 और 5 का, 20 होता है ना, एलसीएम कितना होगा 20। तो मान लीजिए कि उसने यहां से भी 20 खरीदे और यहां से भी उसने 20 ऑरेंजेस खरीदे, ठीक है। तो अब 1 रुपए के 4 संतरे, तो 20 संतरे कितने के, 20 संतरे हो गए आपके 20/4, ठीक है ना, कितना हो गया 5 रुपीज। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर 5 संतरे 1 रुपए के, तो 20 संतरे कितने के, 20/5, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, तो ये कितने के हो गए, 4 रुपए के हो गए, है ना, तो ये हो गया आपका 4 रुपीज। अब क्या हुआ, टोटल संतरे इसका मतलब उसने कितने खरीदे, 20 पहली दुकान से और 20
दूसरी दुकान से टोटल कितने खरीदे? 40 ऑरेंजेस उसने मान लीजिए खरीदे, और कितने के खरीदे उसने? उसने खरीदे 5 रुपए के पहली दुकान से, दूसरी दुकान से 4 रुपए के, और ये खरीदे उसने टोटल 9 रुपए के संतरे, 9 रुपए के 40 संतरे उसने खरीद के लाए। अब क्या किया उसने? अब वो उन संतरों को बेचने निकल गई। उसने जो है 1 रुपए के 4 संतरे बेचे। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ना अब वो सेल स्टार्ट हो गया, सेलिंग प्राइस। 1 रुपए के 4 संतरे बेचे, तो उसके पास कितने थे? उसके पास बास्केट में 40 संतरे थे। उसने कितने के बेचे होंगे? 40 by 4, है ना? 40 ये वाला और 4 ये वाला। तो यहाँ पे कितने उसने कितने के बेचे? उसने 10 रुपए के बेचे, ठीक है ना? ये कितना होता है? ये होता है आपका 10 रुपीज। तो अभी 40 संतरे खरीदने, 40 संतरे बेचने में क्या हुआ? इसमें इसको हुआ प्रॉफिट या लॉस? 40 संतरे खरीदे 9 रुपए के और 40 संतरे बेचे 10 रुपए के, ये तो हो गया है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 10 - 9 = 1 रुपी। 1 रुपए का क्या है? ये है 1 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है? अब परसेंटेज में लिखना है, तो प्रॉफिट को हम कैसे लिखते हैं? परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट कितना? 1 रुपया अपॉन रेफरेंस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारा 9 40 संतरे का, और परसेंटेज में लिखना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 100/9%, राइट? अब इसको अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 11/1/9%। तो इस वाले क्वेश्चन में गुड्डी को हो रहा है प्रॉफिट 11/1/9% का, या 1 रुपए का, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। रमेश गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन वन ट्रेड एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 20% इन सेकेंड व्हेन ही सेल्स 2 साइकल्स फॉर ₹4,000 ईच। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रेड? अब देखो भाई, ये जो लंबा चौड़ा सा डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपका सॉल्व हो जाएगा सिर्फ 10 सेकेंड में। कैसे? चलिए देख लेते हैं। आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है कि एक बंदा है जो साइकिल बेचता है, वो 2 साइकिल बेचता है। ये वाली साइकिल भी वो 4,000 रुपए की बेचता है, और ये वाली साइकिल भी वो 4,000 रुपए की बेचता है, ठीक है? एक केस में उसको होता है 20% का मुनाफा, और दूसरे केस में हो जाता है उसको 20% का नुकसान। अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, इस पूरी ट्रेड में क्या हुआ, वो आपको पूछा गया है। तो ये ऐसा जब क्वेश्चन हो ना जिसमें कि बंदा 2 चीजें सेल करे, दोनों का दाम बराबर हो, बेचने का दाम बराबर हो, सेलिंग प्राइस बराबर हो, और एक केस में प्रॉफिट परसेंटेज हो और दूसरे केस में लॉस परसेंटेज हो, और दोनों की वैल्यू बराबर हो, तब क्या होता है ना, इस केस में बिजनेसमैन को हमेशा होगा लॉस, ठीक है? इसको ध्यान में रख लीजिए, ये हमेशा लॉस वाला क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा इस ट्रेड में। कितना होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? वो भी सिंपल है। जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस की जो भी वैल्यू दी हुई है ना परसेंटेज की, वो यहां ले लीजिए और उसका कर दीजिए स्क्वायर। हमारी वैल्यू थी 20, इसका कर दिया हमने स्क्वायर, और कर दीजिए 100 से डिवाइड। कितनी वैल्यू हो गई? ये हो गया आपका 400/100, ये आ गया आपका 4%। इसके आगे लगा दीजिए परसेंट, ठीक है? तो क्या होगा इस केस में? इस केस में होगा 4% का लॉस। अब जल्दी से वो वाला ऑप्शन देखिए जहां पे लॉस लिखा हो और 4% लिखा हो, उसको टिक कर दीजिए, ठीक है? इजी सा क्वेश्चन है। ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि दोनों तरफ सेलिंग प्राइस बराबर होनी चाहिए, और दोनों तरफ जो ये प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है ना, वो भी बराबर होना चाहिए। करना क्या है, ये जो आपको प्रॉफिट और लॉस का जो भी वैल्यू दी गई हो, इसको लेना है आपको और कर देना है आपको स्क्वायर, ठीक है? और डिवाइड कर देना है 100 से, ठीक है? जो भी आंसर आएगा उसके आगे लगा देना है परसेंटेज, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना परसेंटेज इसमें लॉस हो जाएगा, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फिलहाल तो समझाया इसलिए आपको थोड़ा टाइम भी लगा, बट अगर सीधा आपको एक बार पता हो तो ये क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर करना है और 100 से डिवाइड करना है ना, 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6।
Simran bought pet food worth ₹56,000. She then sold 1/3 of it, incurring a loss of 40%. What profit she must earn on rest of the supplies to nullify this loss? अब देखिए, फिर से आपके सामने एक डिफिकल्ट सा दिखने वाला लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट एक्चुअली ये भी बहुत इजी है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। यूज करना है एक सिंपल सा लॉजिक, और एक बार ये बात समझ में आ गई ना आपको, ये लॉजिक समझ में आ गया ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए, दिया क्या गया है? दिया गया है कि एक लड़की है सिमरन, वो कुछ पेट फूड खरीदती है और उसको 3 भाग में डिवाइड कर देती है, पहला, दूसरा और तीसरा भाग। जब वो पहला भाग बेचती है तो उसको लॉस हो जाता है 40% का, तो मतलब -40%। माइनस इसलिए क्योंकि लॉस हो गया, 40% का नुकसान हो जाता है। तब वो क्या करे, ये बचे हुए दोनों भागों के ऊपर वो कितना फायदा कमाए कि उसको ना तो प्रॉफिट हो पूरे ट्रांजैक्शन में, ना लॉस हो। तो अब सिंपल सा दिख रहा है सामने, यहाँ 40% का नुकसान हुआ है, यहाँ भाई 40% का फायदा कमा लो, काम हो जाएगा। ये जनरल इंस्टिंक्ट होगी, ये आपकी एकदम इमीडिएट जो इंस्टिंक्ट आएगी वो ये आएगी, बट ये आंसर एकदम गलत है। याद रख लीजिए, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मानिए एक दिन में आपने 3 ट्रांजैक्शन किए, 1, 2, 3। पहले ट्रांजैक्शन में आपको 100 रुपए का नुकसान हो गया, अब आपको इसकी भरपाई करनी है, आपको ना नुकसान चाहिए ना फायदा चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको इन बचे हुए दोनों ट्रांजैक्शन में 100 रुपए का फायदा कमा लेना है ना, 100 रुपए का फायदा कमा लेना है। लेकिन अगर आपने मानिए इस ट्रांजैक्शन में 100 कमाए और इस ट्रांजैक्शन में भी 100 कमाए, तो क्या होगा, आपका जो नुकसान हुआ था वो तो यहीं पे नलीफाई हो गया, यहीं नलीफाई हो गया ना, और ये तो आपका जो अगला 100 था वो तो आपका फायदा हो गया, वो प्रॉफिट हो गया आपको, है ना। लेकिन आपको तो ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, तो आपको करना क्या होगा, आपको टोटल ट्रांजैक्शन के ऊपर आप 100 कमाना है, दोनों ट्रांजैक्शन में मिला के आपको 100 कमाना है, ठीक है ना। यही चीज हमको अपने क्वेश्चन में भी करनी है। चलिए, लेफ्ट साइड पे वापस हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। तो अब हमको क्या दिया गया, हमको भाई यहाँ पे इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 40%, तो हमको ऐसे नहीं कमाना है, तो क्या करना होगा, इस 40% को हमको 2 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो क्या कीजिए, ये जो 40% का नुकसान हुआ है ना, इसको 40 को ऐसे लिखिए, और जो नंबर ऑफ पार्ट्स बचे हुए हैं कितना है, 1 है और 2 है, 2 पार्ट्स बचे हुए ना, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 20%, ठीक है। तो अब अगर आपने यहां कमाया 20% और यहां भी आपने कमाया 20%, तो आपका ये जो 40% का नुकसान हुआ था पहले, आपके पहले एक तिहाई भाग में, वो नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। करना क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे तो देख लीजिए कि कितना फायदा या नुकसान वाला परसेंटेज दिया हुआ है, उसको ले लीजिए, यहाँ पे 40 था, 40 ले लीजिए, बचे हुए पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट है, तो डिवाइड कर दीजिए उतने नंबर ऑफ पार्ट से, आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, आराम से अप्लाई कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लिंक दे दिया है, वीडियो खत्म होने के बाद उसको फॉलो कीजिए और क्वेश्चंस को धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ए सोल्ड अ कार टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, बी इनकर्ड लॉस ऑफ 15% व्हाइल सेलिंग द सेम कार टू सी। ए स्पेंट ₹50,000 फॉर दिस कार, एट व्हाट प्राइस डिड सी बाय इट। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं 3 बंदे, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। एक कार है जो ए बेचता है बी को, बी बेचता है सी को। ए ने इसको खरीदा है 50,000 रुपीज में, ठीक है। तो इसका जो एक कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा, जिस प्राइस में ए बेचेगा, जो ए का सेलिंग प्राइस होगा वो बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, इतने में बी खरीदेगा, ठीक है। फिर इसका एक कॉस्ट प्राइस हो गया और इसका सेलिंग प्राइस हो गया। फिर बी जितने में बेचेगा वो उसका सेलिंग प्राइस, लेकिन सी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और हमें यही ढूंढना है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ए कार बेचता है बी को तो उसको होता है 25% का फायदा प्लस 25%, जब बी बेचता है उसी कार को सी को तो होता है 15% का नुकसान, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस, ए ने जितने में कार बेची, कितना है, 25% का फायदा कमाया ना, तो 100 प्लस 25% 125
परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, हमने अपने फर्स्ट वाले स्लाइड में सीखा हुआ है कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 50,000 का, ठीक है। और ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ ए है, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, इतने में बी ने खरीदी, बी ने इतने में ही खरीदी ना। अब बी ने जितने में खरीदी, अब हमको ढूंढना क्या है, सी का कॉस्ट प्राइस, मतलब बी का सेलिंग प्राइस, बी ने कितने में बेची अब, है ना, बी ने कितने में बेची। बी ने जब बेची तो उसको 15% का नुकसान हो गया कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। तो 15% का नुकसान हुआ मतलब 100 माइनस 15 कितना हो गया 85%, 85% को लिखेंगे 85 अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बी का कितना था, हम बी की सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं ना, तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना था, वो था 125 अपॉन 100 इंटू 50,000। यहां से वैल्यू प्रेस कर रहे हैं खाली, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको डिवाइड कर, आपने कैंसिल हो गए, 0000 कैंसिल, और ये आपका अल्टीमेटली आया 85 इंटू 125 इंटू 5, ये हो गया आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 85 इंटू 625, और ये होता है आपका 53,125 रुपीस, ठीक है। मैंने सॉल्व करके देख लिया है, आप भी सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए अभी मेरे को आपको इतना सारे स्टेप्स बताने थे इसलिए इतना टाइम लगा, बट एक्चुअली जो आप एग्जाम में स्टार्ट करेंगे वो आप सीधा यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, स्टेप्स कम है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अ चीटर मैनिपुलेटेड हिज वेइंग मशीन सो दैट इट शोज 1 kg फॉर 970 grams, हाउ मच प्रॉफिट डज ही गेट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कि धोखेबाज दुकानदार है ना, ये 1 kg का बाट रखता है लेकिन इसने अपने बाट को ऑल्टर कर रखा है, मैनिपुलेट कर रखा है, और एक्चुअली वो तोलता है 970 grams, ठीक है। 1 kg मतलब 1000 grams, तो इसको फायदा ये कितने का होता है, इसको फायदा होता है इसी 30 grams का। अब इसको हमको परसेंटेज में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ही हमारा रेफरेंस होता है ना, तो हमको कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन दिया है कि ये 970 ग्राम्स बेचता है, मतलब ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम से काम चलेगा। इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसी 970 ग्राम्स के ऊपर इसकी कॉस्ट होगी, तो ये डिवाइडेड बाय 970 ग्राम्स, परसेंटेज में आंसर चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 300 अपॉन 97%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो ये आ जाएगा आपका 39/97%। काफी इजी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगा, हार्डली 22-25 seconds उसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रोहित गॉट प्रॉफिट ऑफ 11.5% बाय सेलिंग हिज ओल्ड कार, हाउएवर ही रियलाइज दैट हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹8,100 मोर हिज प्रॉफिट वुड बी 38.5%, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द कार। अब देखिए ये जो रोहित बंदा है ना, इसने एक कार बेची उसने 11.5% के प्रॉफिट पे, लेकिन इसको रियलाइज हुआ कि अगर इसने 8100 रुपीस और ले लिए होते, 8100 रुपए और लिए होते, तो इसका प्रॉफिट होता 38.5%। ये दोनों प्रॉफिट परसेंटेज के इसके बीच में कितना डिफरेंस है परसेंटेज में, ये है आपका 38.5 माइनस 11.5 27%, 27% परसेंटेज में, और रुपए में कितना, रुपए में 8100, ठीक है ना, ये प्रॉफिट है आपका 27%। क्या है ये प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट परसेंट को कैसे लिखते हैं, 27 किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, प्रॉफिट उसी के ऊपर कैलकुलेट होगा ना, और फिर ये होगा आपका 8100, ये हो गया आपका 27/100, ऐसे लिखते हैं परसेंटेज को, ऑफ का हो गया मल्टीप्लीकेशन, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8100। अब आपने सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 81, 300। ये कॉस्ट प्राइस आपकी क्या यहां से निकल के आ गई, कॉस्ट प्राइस आपकी निकल के आ गई 300 × 100, हो गया आपका 30
30,000 रुपीज, और यही आपकी कॉस्ट प्राइस थी कार की, मतलब जिस दाम में उसने खरीदी थी कार रोहित ने। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल एक लॉजिक थोड़ा सा आपने अप्लाई किया अपना और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 20% डिस्काउंट ऑन प्रिंट प्राइस। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो शॉपकीपर है वो बुक खरीदता है किसी एक कॉस्ट प्राइस में, उसके ऊपर एक प्राइस प्रिंट करता है प्रिंटेड प्राइस और उसे फर्दर बेच देता है एक सेलिंग प्राइस में। इस पूरे ट्रांजैक्शन में इसको फायदा होता है 15% का, मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस उसका रहेगा 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये हमने सीखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में दूसरी चीज जो हो रही है वो ये भी हो रही है कि वो प्रिंट प्राइस के ऊपर 20% डिस्काउंट देता है और बेच देता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो है ये भी है 80% ऑफ प्रिंट प्राइस, मतलब 100-20 जो वो डिस्काउंट देता है ऑफ प्रिंट प्राइस ये भी है, ये कितना होता है, ये होता है आपका 80%, मतलब 80/100 ऑफ प्रिंट प्राइस। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं आपके सेलिंग प्राइस, मतलब इनको इक्वेट कर सकते हैं, मतलब इसका हो गया 115/100 CP इज इक्वल टू 80 PP/100, 100 आपका हो गया कैंसिल और CP और PP का रिलेशन यहाँ से क्या आ गया, ये आपका आ गया 80/115, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाता है 16/23 और यही है आपका 16:23 जो कि है आपका कॉस्ट प्राइस और प्रिंट प्राइस का रेशियो और यही हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो होता है यहीं खत्म और आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर हमें बताइए कि आपके हिसाब से इनका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, हम इसी तरह के यूजफुल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।